वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के प्रथम दुर्ग शहर आगमन पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। जगह जगह स्वागत कर बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता रहे मौजूद। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत का दुर्ग शहर में प्रथम नगर आगमन हुआ, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया, जिन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को रथ पर बैठाकर शहर प्रवेश कराया। इस दौरान नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया, जिसकी शुरुआत साइंस कॉलेज के सामने से हुई, जहां भाजपा युवा नेता अरुण सिंह, भाजयुमो नितेश साहू ने पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया। इसके पश्चात मालवीय नगर चौक पर पटरी पार मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने भव्य आतिशबाजी के बीच भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का काफिला जैसे ही पटेल चौक पर पहुंचा तो जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त भाजयुमो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने जिला भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दुर्ग शहर में मिले इस सम्मान से उत्साहित नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा को मजबूत कर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए जीत की राह प्रशस्त करेंगे। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जिम्मेदारी बड़े मिली से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार है, वरिष्ठ मन के मार्गदर्शन ले कमल खिलाए पर जनता के जो मुद्दा है, वहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आप मतलब लड़ते हुए दिखी। एक एक कार्यकर्ता जनहित पर आंदोलन खड़े करने वाला है। युवा मोर्चा को सशक्त करने के लिए हमारे वरिष्ठ सब लोग बैठे हैं। इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम लड़ने वाले हैं और लड़ते हुए इस तानाशाही और झूठी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।